हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जिनके पास स्किल अनाउंसमेंट में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, अचीव्स एंड म्यूजियम, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, अब मैं आपको इस वीडियो में उनके आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए, अब मैं दोस्तों आंसर अपलोड कर रहा हूँ। तो जितने बच्चे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, SOL में जब तक रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर भी देख लो साथ के साथ में, ठीक है। इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम आने वाले हैं, इतने आ जाएंगे कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, संग्रहालय से आपका क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर है। और दोस्तों, अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए अचीव्स एंड म्यूजियम की पढ़ने के लिए 10 ईयर की, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए PDF प्रोवाइड करवा दूंगा 10 ईयर की, ठीक है। तो उससे भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे हो रहा है फिर ये रहा उसके बाद से, ठीक है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपका पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, भारत में संग्रहालयों के उद्भव व विकास की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ये रहा उसके आगे का, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है, अब यहाँ से पढ़ना, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, यहाँ से पढ़ना अब। इसके आगे और है, ये रहा उसके आगे से, ठीक है, यहाँ से पढ़ना अब। तो यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये दूसरे का आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लो। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अभिलेखागार व संग्रहालय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अभिलेखागार व संग्रहालय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तीसरे का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, आप अभिलेखागार को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, भारत में अभिलेखागारों के विकास का निरूपण कीजिए, ठीक है। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर देख लो आप। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है, इसके आगे का हो रहा है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना फिर।
ठीक है, यहाँ तक पढ़ना, नौकरशाही तक। इसके आगे और है, ये रहा फिर उसके आगे का, ठीक है, नौकरशाही के बाद का। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है, अभी लेखाकार, इसके आगे हो रहा है, फिर यहाँ से पढ़ना, ठीक है, वहाँ तक हो गया था, अभी लेखाकार। अब निष्कर्ष देख लो लास्ट में, ये रहा निष्कर्ष, ठीक है, तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चौथे का। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, भारत के इतिहास लेखन में अभिलेखागारों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे हो रहा है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना फिर उसके बाद। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है, फिर इसके बाद और है, ये पूरा देख लेते, अनुसंधान, ये रहा आपका फिर तीसरा पॉइंट, अनुसंधान, ठीक है, ये पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है, ये रहा फिर उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना फिर। अब लास्ट में निष्कर्ष देख लो, तो यहाँ से पढ़ना फिर उसके बाद, और यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, आपका ये पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला गया है, भारत में राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के रूप में संग्रहालयों की भूमिका को परिभाषित कीजिए। आपका ये छठा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है फिर देख लो कहाँ तक पढ़ना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, सॉरी आंसर। यहाँ तक पढ़ना है, इसके आगे और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। इसके आगे और है, ये रहा फिर उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना। इसके आगे हो रहा है, बस ये रहा फिर उसके बाद का, यहाँ से पढ़ना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आंसर। थोड़ा लंबा है तो इसे आप लोग दोस्तों खुद से शॉर्ट से बना के लिख लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर भी देख लेते हैं फिर। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रलेखन से आप क्या समझते हैं, अभिलेखागारों अथवा संग्रहालयों में प्रलेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ना, ठीक है, इसके आगे हो रहा है, ये रहा उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना फिर।
ठीक है, यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है मेरा, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ना, फिर इसके आगे हो रहा है ये रहा, फिर उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना फिर। यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे हो रहा फिर ये रहा, फिर उसके बाद का, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके आगे का ये। अब लास्ट में निष्कर्ष देख लो, ये रहा आपका निष्कर्ष, ठीक है, यहाँ से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ लेना ये, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला गया है, डिजिटल अभिलेखागारों से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा अतीत का अध्ययन करने में क्या सुविधा होती है। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे हो रहा है, फिर ये रहा उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना फिर। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, भारत में किसी एक अभिलेखागार अथवा संग्रहालय के भ्रमण में आपको क्या सीखने को मिला है, तो इसका आंसर देख लो 9वें का, तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ना ये, ठीक है, इसके आगे हो रहा है, फिर ये रहा उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना। यहाँ तक पढ़ना, ठीक है, इसके आगे हो रहा है, फिर ये रहा उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है, पढ़ सकता है, इसके आगे हो रहा है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना फिर, उसके बाद यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, ठीक है, तो देख लो। तो यहाँ तक पढ़ना, फिर इसके आगे और है प्रदर्शन, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे हो रहा है बस, फिर ये रहा उसके आगे का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना। अब लास्ट में निष्कर्ष देख लो, तो ये रहा निष्कर्ष, ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए, 10वें क्वेश्चन में दोस्तों पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट, तो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, 4 में से किन्हीं 2 के ऊपर टिप्पणी करनी होगी आपको, तो ये 4 पॉइंट आप लोग गूगल से सर्च मार के कर लेना, और बुक्स में भी मिल जाएंगे, और जो मैंने क्वेश्चन बताए उसमें भी आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो ये उसी में का है, ठीक है, तो ये आप लोग गूगल से सर्च मार के कर लेना।
कोई दिक्कत या डाउट है या इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत डाउट है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे को, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन जरूर कर लेना जितने भी बच्चे हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से हेल्प की जाएगी। अब आपका जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही बना दिए हैं तो वो देख लेना, अब मैं उनके आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ में।